देखो बच्चों, नवोदय ट्रस्ट में ये 2005 में आया हुआ है, 2005 का पेपर है ये, उसका क्वेश्चन है। कह रहे हैं 3 घंटियां प्रातः 8:35 1:07 3 घंटियां लगी हुई है मंदिर में है या कहीं और हो सकती है, 1:07 क्या बजे 8:35। यदि वे क्रमशः 12 सेकंड तथा 18 सेकंड पर बजती हो, मतलब पहली बजी ये फिर ये फिर ये पर बजती हो तो वे फिर कब 1:07 1:07 पहली कब बजी थी 8:35 पे, अब कब बजेंगी ये कह रहे हैं। ऐसा सवाल घूम गए तुम, है आसान। ऐसे सवालों में क्या करेंगे हल, बहुत आसान है। देखो कितने हैं, 12, 15 और 18 सेकंड पर बजती है, इनका निकाल लो बच्चों एलसीएम। क्या निकाल लो, निकाल लो, 2 से काटो 2 6 12 15 नहीं कटेंगे, 2 से काटो 2 3 15 नहीं कटेंगे, 9 नहीं कटेंगे, 3 से काटो 3 1 3 3 5 3 3 9 5 से काट लो 3 नहीं कटेंगे, फिर 3 से काट लो 1 1 1 हो गया। yes, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम देखो बोलो 2 × 2 × 3 × 5 ऐसे लिखो, छोटे ऐसे लिखो पूरे अंक। yes, और बड़ा 2 × 2 = 4 36 पंजे होता है 180। ये आ गया इतने सेकंड, क्या आ गया इतने 180 सेकंड का मतलब मिनट में बदलो कितने मिनट होंगे, 3 मिनट कितने मिनट होंगे, अरे भाई 180 आया, 180 सेकंड है, इसे 60 से भाग कर दो, 6 × 3 = 18 क्या आ जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा। 180 सेकंड मतलब है 3 मिनट। किसके समझ में आई यहां तक, 1:07 कब बजेगी, 1:07 बजेगी कब, देखिए या देखिए ध्यान से बराबर क्या बजे बजी थी 8:35 अब कह रहा है वो अगली कब बजेगी, 3 मिनट और जोड़ दो, 8:35 3 मिनट और जोड़ो कितने हो गए, 8:38 8:38 पर 1:07 3 घंटियां बजेगी, तो आंसर क्या आएगा 8:38 बोलो, तुम्हारे समझ में आया। यस सर, थैंक यू वेरी मच।